स्वामी जी प्रणाम। पहले तो मुझे 3 साल का तब से मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और दवाई मैंने लगभग 24 साल खाई है और डॉक्टर ने हमेशा बोलता आजीवन खानी पड़ेगी। 24 साल दवाई खाई और रोज़ 2000 mg की दवाई खाता था। 2000 mg मतलब हाई, एकदम हाई डोज। और ये दवाई इससे नींद भी ज़्यादा आती है और डलनेस और ब्रेन पर भी असर होता है, मेमोरी पर और हमारे ग्रेस्पिंग पावर पर भी। कोई जिसमें मन ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था अंधेरे कमरे में पड़े रहो बस। पर पिछले 7 साल से मैं प्राणायाम कर रहा हूँ और अब जाकर 2020 में मैंने दवाई छोड़ दी और जब रिपोर्ट कराया तो एकदम नॉर्मल। रिपोर्ट सब नॉर्मल है और 2020 से दवाई छोड़, दवाइयाँ बंद कर। और जो मना किया था, क्या क्या मना किया था? मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि ड्राइव नहीं करना है या फिर बाइक नहीं चलाना, बाइक नहीं चलाना और पानी के पास नहीं जाना, पानी के पास भी नहीं जाना। बोलिए स्विमिंग करेगा और अंदर का अंदर ही रह गया तो वही अटैक पड़ गया। तो हाइट से मना किया था और आग के पास नहीं जाना बोला था। आग के पास नहीं जाना, किसी हाइट पर मत जाना। और कभी भी आदमी गिर जाता है, अब क्या क्या करता है वो भी बता। फिलहाल मैं स्विमर भी हूँ और साथ में बाइक राइडिंग भी करता हूँ। बाइक राइडिंग करता है, बच्चों का शौक होता है, और स्विमिंग करता है और साथ में प्रोफेशन से मैं शेफ हूँ, जहाँ आग से ही खेलना है। आग से ही खेलना प्रोफेशन से सेफ। तो बीच बीच में खुद भी खा लेता है। तो जो मना किया था प्रोफेशन से सेफ, इसलिए आग से ही खेलता है, बाइक राइडिंग करता है, स्विमिंग करता है, लेकिन योग किया। और दवाई भी क्या कर ली? दवाई में पहले मेरी सोडियम वालप्रेट चलती थी। नहीं, आयुर्वेद की। आयुर्वेद में मेधावटी लिए और काढ़े लिए। काढ़ा मेधा क्वाथ है, कोई इसकी माँ पिलाती इसका। इसकी माँ कल बोले, बाबा जी आपने हमारा बच्चा बचा लिया और इसने, बच्चे ने मेरी और आपकी बात मान ली कि मैंने बेटे से कहा बेटा प्राणायाम करो, मेधावटी ले, काढ़े पिलाती रहती थी।